दूध नहीं बेचे, दूध का यहां नदी बहेगा। उसी बात बोलने के लिए अभी विषय कैमरा लॉक करके दूसरा सिस्टम में जाओ, ऑफ एंड ऑन करो। तो मेरा विषय क्या है, गाय का दूध कैसे बढ़े। हमारे बड़े बड़े पंडित हैं, उसके बारे में बहुत सारा बात बताएंगे, मैं उतना गहराई में नहीं जाऊं, बहुत कम शब्दों में आपको बताता हूं। सबसे पहला, मोबाइल में गाना सुनते हो आप? सुनते हो कि नहीं सुनते हो? तो गायों को भी बांसुरी का धुन सुनाओ सुबह सुबह। कृष्ण लल्ला सुनाते थे, अगर बांसुरी वादन गौ माता सुने, ठीक है, तो स्वतः प्रबुद्ध गाय आनंदित होके उनका दूध अपने आप बढ़ने लगे। और दूसरा एक घास है जो सूखे में भी पनपती है, ये बड़े बड़े होते हैं, मतलब 6 फीट 60 फीट का घास, उसके लिए पानी का जरूरत नहीं है। हमारा गुरुकुल जहां चलता है आपसे भी ज्यादा सूखा क्षेत्र है, आपका तो पानी देख रहा हूं, आप मेरे एरिया में जाओगे पानी दिखाई नहीं देगा, और भयंकर जंगल है। तो उस घास का नाम है धन्वंतरी, सबको ही बोलना धन्वंतरी, धन्वंतरी सबको ही बोलना, जोर से बोलो धन्वंतरी। और उसको कोई कोई लेमन ग्रास भी कहता है, उस पत्ती, उस घास का पत्ता को ऐसे तोड़ेंगे और सुनेंगे ना तो नींबू का स्मेल, नींबू का सुगंध आता है उसमें, ठीक है। और धनतेरस के दिन में, दीपावली से पूर्व या बाद में, धनतेरस, धनतेरस पहले, दीपावली से पहले उस वृक्ष का, उस घास का पूजन किया जाता है, ठीक है। तो वो आपके यहां पर लाके सूखे जमीन में भी लगाओ, और उसका पौधा हम दिलाएंगे। मेरे पास करीब करीब 1-1.5 लाख, ज्यादा नहीं, सुबह सुबह हर गाय को 2-2 पत्ता खिला दो, फिर देखो चमत्कार, ठीक है। और ये जो गाय का घी है आपके यहां, ये थोड़ा सफेद है, हमारे यहां थोड़ा पीली है, गोल्डन कलर, सोने का कलर है, ठीक है। और वो घास खिलाना चालू कर दोगे तो ये, इसमें ये इसका रंग भी परिवर्तन हो जाएगा, गाय का घी, देसी गाय, थोड़ा देर ध्यान करेंगे, थोड़ा देर ध्यान, आंख बंद,